जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 1 फरवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट और मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। अभी तक उनका बजट भाषण चल रहा है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ आशा कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, सभी आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, ICDS के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के लिए जो है अन्य चीजों की घोषणा अभी और होनी बाकी है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में निकल के सामने आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे देता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार मैंने न्यूज चैनल का फोटो लिया जहां पर ये क्लियरली मेंशन था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा भी गया कि ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स हैज बीन कवर्ड इन आयुष्मान भारत स्कीम। इसमें 5 लाख रुपए का जो इलाज कराने के लिए जो है सरकार की ओर से आपको लोगों को कवर दिया जाएगा, आयुष्मान कार्ड आप लोगों का बनाया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का फायदा जो है इलाज कराने के दौर पर मिलेगा। कई सारी बीमारियां इसमें कवर होती है, उस कार्ड से आप लोग 5 लाख का इलाज जो है रजिस्टर्ड अस्पताल में सिर्फ कार्ड दिखा करके जो भी उसका होगा वो क्लेम ले सकते हैं। चलिए मैं डिटेल में आगे आपको खबर दिखा देता हूँ। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कल रात में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि बजट में जो भी घोषणा आंगनबाड़ी के संबंध में की जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, मैंने ये भी आप लोगों को हिंट्स दिया था कि मानदेय बढ़ोतरी नहीं करके सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कीम में आप सभी को जोड़ सकती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले बार पोषण अभियान 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी की घोषणा की गई थी, इस बार आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत स्कीम में कवर कर लिया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम वही है जिसमें 5 लाख रुपये का जो है आप लोगों के लिए जो है वो बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकार जो अपनी तरफ से पैसे देती है। आप सभी को मालूम होगा आपके एरिया में भी कई लोगों का जो है आयुष्मान भारत कार्ड बना होगा। इस कार्ड में 5 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो इलाज के लिए रजिस्टर्ड अस्पताल में रिडीम किया जा सकता है, जो कैशलेस होता है। आपको अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर वो बीमारी आयुष्मान भारत स्कीम में जो है वो क्लेम करने योग्य है, तो आप रजिस्टर्ड अस्पताल में जाकर के उस बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा सकती है। 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार इसके अंतर्गत उठाती है। जानकारी के लिए मैं आपको ऊपर में टाइम दिखा दूं, देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर 11:45 हो रहा है, 12:45 अभी हो रहा है, अभी बजट का जो भाषण है वो अभी चल ही रहा है। और इस प्रकार अभी आगे कुछ मिनटों में, कुछ देर में ये बजट भाषण अभी 2 घंटे लगभग चलेगा। तो वहाँ पर अगर आंगनवाड़ी के संबंध में, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मानदेय बढ़ोतरी, पोषाहार या फिर अन्य चीज़ों की घोषणा होती है तो मैं लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल 5 लाख रुपये का फायदा और ये आयुष्मान भारत स्कीम में आंगनवाड़ी वर्कर्स को कवर किया गया है। अभी फिलहाल आंगनवाड़ी के लिए यही स्कीम में जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही है और आशा कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित हो गई है। आप सभी को मालूम है कि बीमा का लाभ आपको अलग से मिलेगा ही, लेकिन बीमार होने के समय इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम में भी आपको कवर कर लिया गया है। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।